दोस्तों कुछ जानवर इतने लाचार होते हैं कि अपने बच्चों को चाह कर भी शिकारियों से नहीं बचा पाते। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके होते हुए कोई भी उनके बच्चों को टच नहीं कर सकता। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे जानवरों के बारे में जिनके बच्चों को मारने के लिए जिगरा लगेगा। तो आइए देखते हैं। आर्माडिलोस। दोस्तों आर्माडिलो एक ऐसा जानवर है जो कि जैसे ही खतरा सेंस करता है खुद को एक बहुत टफ गोल बॉल में तब्दील कर लेता है। और इसका आर्मर इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर इसे उठाकर किसी के ऊपर फेंक कर मारोगे तो उसका सर फूटना तय है। अब खुद आर्माडिलो ही इतने प्रोटेक्टेड होते हैं तो उनके बच्चे कैसे सेफेस्ट किड ना हो। दोस्तों इसके बच्चों के साथ भी कहानी एकदम सेम है। इनके बच्चे भी कुछ ऐसे ही पावर के साथ पैदा होते हैं जिसमें छोटे छोटे नन्हे आर्माडिलोस को जैसे ही खतरा महसूस होता है इनकी पूरी फैमिली ही गोल गोल बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनका शेल इतना हार्ड होता है और इसके साथ साथ इसके स्केल्स काफी शार्प होते हैं जिसमें जैसे ही जानवर अपने मुंह से इस शेल्स को तोड़ने की कोशिश करता है ये उनके मुंह को इंजर कर देते हैं। क्रोकोडाइल्स। दोस्तों अभी तक आप मेरे ही वीडियो से क्रोकोडाइल्स के बारे में बोरी भर कर इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, पर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मेरे भाई ये तो मुझे खुद ही नहीं मालूम था। दोस्तों क्रोकोडाइल जैसे ही खतरा महसूस करते हैं अपने बच्चों को मुंह के अंदर दबा कर रख लेते हैं। अब रख लेते हैं वो इन द सेंस मुंह में दबा कर आसपास के तालाब में ले जाकर उन्हें रिलीज कर देते हैं ताकि वे बच्चे जल्दी से जल्दी इधर उधर गायब हो जाएं। अब भले ही दूसरे जानवर भी अपने बच्चों को मुंह में रख लेते हों पर क्रोकोडाइल्स के लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि इनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि जरा सा ध्यान हट जाए तो बच्चों की तो मुंह में ही चटनी बनना तय है। पर जिस हिसाब से ये इस काम को अंजाम देते हैं वह चीज भी बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। स्क्विरल। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने स्क्विरल यानी कि गिलहरियों को तो बहुत देखा होगा, पर ये गिलहरियां अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कितनी चलाकियां अपना लेती हैं अभी जानोगे तो चौंक जाओगे। भाइयों गिलहरियों के बच्चों की सबसे बड़े शिकारियों की बात करी जाए तो वह होते हैं सांप, और उनसे बचने के लिए गिलहरियां खुद को और अपने बच्चों को सांप की केचुली या फिर जो उनकी श्रेडेड स्किन होती है उसका प्रयोग करती है। ये खुद को और अपने बच्चों को सांपों की स्किन में घिस लेती हैं, और क्योंकि सांपों को दिखाई नहीं देता तो वो उस चमड़ी के स्मेल की वजह से गिलहरी के बच्चों को भी कोई दूसरा सांप समझकर छोड़ देता है। मतलब ये सही था, ना तो लड़ाई की ना तो झगड़ा किया और काम का काम बन गया। आर्कटिक वुल्फ। दोस्तों आर्कटिक वुल्फ के बच्चों को तो जेट प्लस सिक्योरिटी मिला करती है। नहीं समझे तो चलो बताता हूँ भाई। ये वुल्फ में क्या होता है कि ये जनरली 10-12 भेड़ियों के ग्रुप में रहा करते हैं, और जब मीटिंग सीजन आता है तब उस ग्रुप का लीडर और अल्फा फीमेल यानी कि जो सबसे ताकतवर वुल्फ जोड़े होते हैं वही आपस में मेट किया करते हैं। दरअसल इनमें हमारे यहाँ के कुत्तों जैसा सिस्टम नहीं होता है, बस एक जोड़ा ही मेट करने के बाद जब बच्चों को जन्म देता है तब 3 महीने तक पूरा खानदान उन बच्चों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, और उस चीज को लेकर ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि जो भी जानवर बच्चों का शिकार करने जैसी हरकत भी करता है तो इनका पूरा झुंड उस पर अटैक कर देता है। यूरेशियन स्टोन करल्यूज। दोस्तों ये ऐसे पक्षी होते हैं जो तालाब किनारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और तो और इनके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं होती, ना तो ये कोई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो अब ये इतनी खतरनाक जगह पर अपने अंडे की रक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि भाइयों ये अपने दिमाग से काम लेते हैं। ये अपना घोंसला क्रोकोडाइल्स के नेस्ट के पास रखते हैं और इनका सीधा मगरमच्छों से गठबंधन होता है। जैसे ही कोई भी शिकारी इनके बच्चों को मारने आता है ये अपने पंख फैलाकर और आवाज निकालकर मगरमच्छों को बुला लेते हैं। शिकारी सोचता है कि ये ऐसा करके उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर शिकारी का ध्यान इन पर लग जाता है, पर तभी पीछे से मगरमच्छ इनके शिकारी का ही शिकार कर लेता है। ये कहलाता है बुद्धि का प्रयोग करना। मैं भी अपनी वीडियो में बुद्धि से लेकर हर चीज का प्रयोग कर रहा हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है।
दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब चीज से भरी पड़ी है। कुदरती चीजें हो या इनके पीछे छुपे हुए भयानक राज, इन सबको देखकर और सुनकर दिमाग हिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजॉन जंगल के चंद ऐसे ही अजीबोगरीब चीज से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा जंगल जहां आज के ऐसे दौर में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना कपड़ों की अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ अमेजॉन जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहां दुनिया के एक तिहाई जानवर पाए जाते हैं। यहां ऐसे ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आपको बता दें, जमीन पर जितने जानवर मौजूद हैं, तकरीबन एक तिहाई जानवर अमेजॉन जंगल में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली लोग भी रहते हैं, जिनमें से 50 ऐसे लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा कहें कि वह इंसानी दुनिया से वाकिफ ही नहीं है। और दोस्तों, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर की दुनिया से आकर उनकी जगह में आकर दखल दे। ये जंगली लोग आज के दौर में इंसानों के रहन सहन रस्मों रिवाज से कोसों दूर है। यहाँ पर आज भी कुछ जंगली लोग मौजूद हैं जहाँ मर्द और औरतें आज भी बिना कपड़ों के यानी नंगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शर्म से अपने शरीर को पत्तों से ढक कर रखते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदर, हिरण और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, इस जंगल में एक नदी बहती है जिसका नाम अमेजॉन रिवर है। यह नील नदी के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। इसकी चौड़ाई लगभग 146 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर अमेजॉन के जंगलों को खतरनाक जानवरों का घर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर 13,000 से ज्यादा परिंदों की जातियाँ पाई जाती हैं और तकरीबन 4,000 से ज्यादा मछलियों की जातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 45 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी जातियों की मछली भी पाई जाती है जिनके शरीर में 800 वाट से भी ज्यादा करंट पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की मूवी एनाकोंडा जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दुनिया में आपको सबसे बड़ा सांप दिखाया जाता है जो एक ही बार में पूरे इंसान को निगल जाता है। दोस्तों, अमेजॉन के इस जंगल में सच में इतने बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। दरअसल, ये सांप इस फिल्म में दिखाए गए इतने बड़े सांप तो नहीं होते, लेकिन इससे थोड़े छोटे होते हैं। इस जंगल में आपको लगभग 30 फीट का सांप तो नजर ही आ जाएगा। दोस्तों, 1992 में एक रिसर्चर को अमेजॉन के जंगल में तकरीबन 75 फुट लंबा सांप नजर आया था, और फिर कुछ सालों बाद वैसे ही एक सांप पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस जंगल में तकरीबन 100 तरीके के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। ये मेंढक देखने में काफी रंग बिरंगे और खूबसूरत नजर आते हैं, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली हो। लेकिन दोस्तों, कभी गलती से भी इन्हें प्यारा और खूबसूरत समझकर छूने की कोशिश मत करिएगा। इनमें इतना जहर होता है कि ये एक साथ 10 लोग को मार सकते हैं। इस जंगल में बहने वाली नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना नाम की मछली भी है, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को चंद मिनटों में ही मार देती है। दोस्तों, वैसे तो अमेजॉन के जंगलों में बहुत सारे खतरनाक पक्षियों की जातियां हैं, पर इनमें से एक स्पेक्टेकेबल आउल नाम का ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खास और खतरनाक है। इस पक्षी के परों की लंबाई तकरीबन 7 फुट है और ये आसानी से बंदरों जैसे जानवरों को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अमेजॉन जंगल के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी जो शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।